हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम भारद्वाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर जिसमें हिस्ट्री विद भारद्वाज में। मैं आज आपको शुरू करने जा रहा हूं फॉर्म मशीनरी से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि लगभग 100+ प्रश्न मैंने 100+ क्वेश्चनों का संकलन मैंने तैयार किया है, जो कि मैं आपको सीरियल वाइज सीरियल पूरा दिखाऊंगा। तो मेरे सभी क्वेश्चनों के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आगे आने वाली वीडियोज के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा है कर्षण। टॉपिक नंबर 1 है कर्षण यानी कि क्लेज। क्लेज यानी कर्षण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है खेत की मिट्टी को फसल बोने योग्य अवस्था पैदा करना तथा बोने के पश्चात उस अवस्था को बनाए रखने के लिए जो यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, उन यांत्रिक क्रियाओं को भू परिष्करण या कर्षण कहते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है भू परिष्करण किसे कहते हैं या कर्षण किसे कहते हैं या क्लेज किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि खेत को बीज बोने योग्य अवस्था पैदा, बीज बोने योग्य फसल बोने योग्य अवस्था पैदा करना तथा उसी अवस्था को बनाए रखने की क्रिया को कर्षण कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कर्षण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लेज, यानी कर्षण कितने प्रकार का होता है। तो कर्षण हमारा 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी क्लेज जिसे प्राथमिक कर्षण भू परिष्करण भी कहते हैं और सेकेंडरी क्लेज जिसे द्वितीयक भू परिष्करण भी कहते हैं। 3 हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ मोल्ड वोर्ड प्लो, यानी कि जो हमारा मोल्ड वोर्ड हल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो एमबी प्लो है तो सबसे पहले तो 2 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 जो होता है हमारा बुलक ड्रॉन यानी कि बैलों द्वारा चलित होता है। नंबर 2 हमारा ट्रैक्टर ड्रॉन होता है यानी कि जो ट्रैक्टर द्वारा चलता है। अब हम बात करते हैं बुलक ड्रॉन की, तो बुलक ड्रॉन में 2 होते हैं हमारा, एक तो 1 वे होता है, दूसरा 2 वे होता है। जो हमारा 1 वे होता है ये मिट्टी को एक ही दिशा में पलटता है तथा जो हमारा 2 वे होता है ये मिट्टी को दोनों दिशाओं में पलटता है। अब बात करते हैं हमारे ट्रैक्टर ड्रॉन की यानी ट्रैक्टर चालित एमबी ब्लो की, तो इसमें हम 3 प्रकार के होते हैं, ट्रेल टाइप यानी कि घिसटवा हल, सेमी माउंटेन टाइप यानी कि जो कि काम करने के लिए उठा हुआ और पहियों के बल पे चलता है, और माउंटेन टाइप यानी कि लटका हुआ या उठा हुआ हल जो कि हाइड्रोलिक की सहायता से उठा हुआ रहता है। तो ये 3 प्रकार के जो हमारे हल होते हैं ये ट्रैक्टर ड्रॉन होते हैं और ये 2 प्रकार के हमारे ब्लॉक ड्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, फार यानी कि शेयर किसे कहते हैं। तो ये हल का वह भाग है जो मिट्टी काटता है, ये चिल्ड कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है, स्टील में कार्बन 0.7 से 0.8% व 0.5 से 0.8% मैग्नीज होती है। यानी जो हमारी फार है ये वह भाग है जो मिट्टी को काटता है और ये चिल्ड कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती है। स्टील में जो हमारा स्टील जिससे कि ये फार बनती है उसमें कार्बन हमारी 0.7 से 0.8% तक होती है व जो मैग्नीज होती है वो 0.5 से 0.8% तक होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, टाइप ऑफ शेयर यानी कि फार के प्रकार। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 बनावट के आधार पर, नंबर 2 पदार्थ प्रयोग के अनुसार। तो सबसे पहले हम इसकी बनावट के आधार पर अगर बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्लिप नोट शेयर, नंबर 2 स्लिप नोट शेयर, नंबर 3 सिन शेयर, नंबर 4 स्ट्रेच शेयर, नंबर 5 बार शेयर। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, स्लिप शेयर, स्लिप नोट शेयर, सिन शेयर, स्ट्रेच शेयर और बार शेयर। अब हम बात करते हैं बी जो पदार्थ के प्रयोग के अनुसार होता है, तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 कास्ट आयरन की, नंबर 2 चिल्ड कास्ट आयरन की, नंबर 3 प्लेन स्टील की, नंबर 4 सॉफ्ट सेंटर स्टील की। तो ये 2 भागों में बांट के ये पहले भाग बनावट के आधार पर 5 प्रकार के और पदार्थ प्रयोग के अनुसार 4 प्रकार के फार होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
टाइप ऑफ मोल्ड वोर्ड यानी कि जो हमारा मोल्ड वोर्ड होता है एमबी पिलो में जो मोल्ड वोर्ड प्रयोग होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये भी तीन भागों में बांटा गया है, नंबर एक आकृति के अनुसार, नंबर दो बनावट के अनुसार, और नंबर तीन सामग्री यानी कि जो पदार्थ इसको बनाने में प्रयोग हुआ है उसके अनुसार। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ आकृति के अनुसार पे, तो ये स्टवल टाइप होता है, सोल आ या ब्रेकर टाइप का होता है, जनरल पर्पस टाइप का होता है, और ब्लॉक लैंड या हाई स्पीड टाइप का होता है। तो जो हमारे आकृति के अनुसार हैं तो वो चार प्रकार के होते हैं, स्टवल टाइप, सोल आर ब्रेकर टाइप, जनरल पर्पस टाइप और ब्लॉक लैंड और हाई स्पीड टाइप। अब बात करते हैं बनावट के आधार पर, तो सॉलिड टाइप, स्लेट टाइप और रॉड टाइप। अब इसमें प्रयोग हुई सामग्री के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये चार प्रकार के होते हैं, कास्ट आयरन के, स्टील के, चिल्ड कास्ट आयरन के और सॉफ्ट सेंटर स्टील के। देखिए हमारी बात हो गई टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट्स ऑफ एमबी प्लो यानी एमबी प्लो के मोल्ड बोर्ड हल के भागों के बारे में बताइए। तो नंबर एक पे जो हमारे एमबी बॉटम पार्ट होते हैं, मोल्ड बोर्ड के बॉटम पार्ट होते हैं, वो होता है नंबर एक सेयर, नंबर दो एमबी जिसे मोल्ड बोर्ड बोलते हैं, नंबर तीन लैंड साइड, नंबर चार फ्रॉग, नंबर पाँच गनल, नंबर छः लैंड सू। अब इसके नंबर दो पे हम बात करते हैं एसेसरीज पार्ट जो कि इसमें जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले होता है नंबर एक ट्रांसपोर्ट या गेज व्हील, नंबर दो जॉइंटर, नंबर तीन कोल्टर, नंबर चार हिचिंग सिस्टम, नंबर पाँच टाइन और नंबर छः फ्रेम। तो ये जो हमारे 12 भाग हुए एसेसरीज और बॉटम पार्ट दोनों के मिला के ये हमारे एमबी प्लो के पार्ट्स बोले जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जॉइंटर, जॉइंटर किसे कहते हैं या जॉइंटर क्या होता है। तो इसका उत्तर है ये प्लो बॉटम के समान होता है, इसका उद्देश्य एक पतली पट्टी के समान फरो की मिट्टी जो कि ठीक मेन फरो बॉटम के सामने होती है उसको बनाना होता है। तो जो हमारा जॉइंटर होता है ये जो हमारा प्लो बॉटम होता है यानी हल्का बॉटम होता है, हलतल होता है, उसी के आकार के जैसा होता है, ये कूड़ के सामने कि ठीक मेन फरो बॉटम में यानी कि जो कुंड के ठीक मेन बॉटम में जो मिट्टी होती है उसको इस लायक बनाना होता है कि वो हल से जुतने के बाद समतल रूप में रहे। बात करते हैं नंबर 9 कोल्टर, कोल्टर किसे कहते हैं या कोल्टर का क्या कार्य होता है। तो उसका उत्तर है यह युक्ति एक उदग्र फरो को काटने का कार्य करती है, ये कुंड की पतली परत को काटता हुआ उसकी दीवारें साफ करता चलता है। ये दो प्रकार का होता है, नंबर एक रोलिंग टाइप डिस्क कोल्टर, नंबर दो स्लाइडिंग टाइप नाइफ कोल्टर। तो हमने ये देखा कोल्टर दो प्रकार के होते हैं, रोलिंग टाइप डिस्क कोल्टर और स्लाइडिंग टाइप नाइफ कोल्टर जो कि कूड़ की मिट्टी को साफ करता हुआ साइडों से चलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की गेज व्हील किसे कहते हैं या गेज व्हील का क्या कार्य होता है। यह सामान्य व्हील की तरह होता है, जुताई की गहराई नियंत्रित करता है। तो हमारा जो गेज व्हील प्रयोग किया जाता है वो एक सामान्य व्हील की तरह ही होता है और ये जुताई की गहराई को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन आज बताए हैं जो कि फॉर्म मशीनरी की स्टार्टिंग है। आगे मैं आपको 100+ क्वेश्चन इसके बारे में बताऊँगा जो कि आगे आने वाली वीडियोज में आपको दिखाऊंगा। तो आगे की आने वाली वीडियोज के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।